तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रॉफ इज वंस अगेन बैक इन द कंट्रोवर्सी। इस बार वो क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से नहीं, अगर आपको याद है कि विराट कोहली ने उनको बैक टू बैक छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से वो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, हिंदुस्तान के हर घर में जाने जाते थे। मगर इस बार उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है, मगर इस बार ऑफ फील्ड एक्टिविटीज की वजह से वो नजरों में रहे, लोगों की बातों में रहे, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस वाज दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रीट्स में घूमते हुए नजर आए, उनका एक ऑल्टरकेशन हो गया फैन के साथ, जिसकी वजह से आज लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हिच हैज टर्न इनटू अ बिग इशू राइट नाउ, व्हिच हैव आल्सो फोर्स्ड हारिस रॉफ एंड मोहम्मद रिजवान टू कम आउट एंड टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी एंड रिस्पेक्ट फॉर क्रिकेटर्स एज वेल। तो इंसिडेंट ये था कि भाई हारिस रॉफ अपनी वाइफ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रीट में चलते हुए नजर आए, उसके बाद एक फैन ने कि उनसे रिक्वेस्ट की एक फोटोग्राफ, सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए, बट कुछ ऐसा हुआ उन दोनों के बीच में कि भाई हारिस रॉफ का मूड इतना ही बिगड़ गया कि उन्होंने फैन को उल्टा सीधा अपशब्द कह दिया, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रोवर्सी मच गई और एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। और ये हुआ पाकिस्तान की अर्ली एग्जिट के बाद T20 वर्ल्ड कप के। बट ये पहला इंसिडेंट नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ, इसके पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के मैच के बीच आजम खान वॉज मॉक्ड एंड इंसल्टेड बाई हिज फॉलोअर्स, बाई क्रिकेटिंग फॉलोअर्स ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हार गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वही मैच में आजम खान ने जीरो बनाया था और वो डक की वजह से लोगों ने उनको मॉक करना शुरू कर दिया था। और द रीजन दैट ही इज बीन मॉक्ड बिकॉज ऑफ हिज वेट इशूज, आजम खान हु वॉज वन ऑफ द पिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेटेबल पिक्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वॉज सीरियसली मॉक्ड एवर सिंस ही इज बीन प्लेइंग, हैज गॉट एन एंट्री इन टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, although he's been a very very impressive performer in Pakistan Super League, but वो अभी तक adjust नहीं हो पाए, अभी तक deliver नहीं कर पाए performances Pakistan cricket team के लिए, अपने nation के लिए, इसकी वजह से उनको mock करते हुए नजर आए बहुत सारे fans, खास करके वो duck के बाद United States of America के। आजम खान इतना भड़क गए थे कि वो bat लेकर pavilion से बाहर आ गया और वो point करते हुए नजर आए कि भाई मैं तुमको मारूंगा, वो पाकिस्तान fan की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप एक incident की बात करें जो सबको याद है, वो है इंजमामुल हक का, जिसमें एक फैन ने इंजमामुल हक को आलू कहकर बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, ये 1997 की बात है, सहारा कप, जहाँ पर इंजमाम और इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे थे, और एक फैन, इंडियन फैन शिव कुमार ने बहुत सारे अलग अलग नाम लिए थे इंजमाम के लिए। वैसे फैंस तो होते हैं इंजॉय करने के लिए, मगर कभी कभी ऑफेंसिव हो जाते हैं, कभी कभी पर्सनल हो जाते हैं। एंड द रीजन दैट शिव कुमार कॉल्ड इंजमामुल हक आलू, विच फोर्स्ड इंजमाम टू कम आउट विद द बैट एंड स्ट्रेट अवे गो इनटू द स्टैंड्स टू हैमर शिव कुमार। लकीली नथिंग वेंट अगली और सिर्फ बातों बातों में ही रह गए, और वो इंसिडेंट ऑल दो आज ट्विटर पे होता, आज सोशल मीडिया में होता तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता, मगर लकीली देन देयर वाज नो सोशल मीडिया, देन इट वाज ओनली कनाडा एंड इट डिड नॉट वेंट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, ब्लू आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, बट इट स्टिल एंडेड अप वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पाकिस्तान क्रिकेटर्स और उनके फैंस के बीच हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे होते भी रहेंगे। तो फिलहाल ये जबरदस्त तीन इंसिडेंट रिसेंटली और कई साल पहले हमें नजर आए इंजमामुल हक के साथ। ऐसी बहुत सारी वीडियोज, ऐसे बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हम याद करेंगे क्रिकेट नेक्स्ट पे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकेट नेक्स्ट, फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड कमेंट ऑन योर बॉक्स इफ यू रिमेंबर, कमेंट इन द बिलो इफ यू रिमेंबर एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट और फैंस। फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम ताउस रिजवी।